बिल्कुल डन हो गया। मुझे सब कुछ छोड़े, ये बताएं कि आपने 21 अक्टूबर के लिए सूट सिलवाया नया कि नहीं? मैंने 100% सिलवाया और इंशाल्लाह ताला ग्रीन कलर का सिलवाया। और इंशाल्लाह ताला आप देखेंगे कि दुनिया जो है वो अपने कायद के लिए, महबूब लीडर के लिए बाहर आएगी, उनका इस्तकबाल करेगी, एंड ही डिजर्व्स। लेकिन सर उन्होंने ग्रीन कलर का सूट सिलवाया फिर 21 अक्टूबर ने, 14 अगस्त को आ रहे थे। यार नहीं, ऐसी बात नहीं है। और मुझे ये बताएं कि ये जो आपने लुक चेंज की है अपनी, ये क्या खुद से ख्याल आया, किसी की फरमाइश थी? नहीं, वो क्या कहते हैं कि उसने बुरका पहन लिया और हमने भी दाढ़ी रख ली। तो ये जो बुर्का है वो किसने पहना? ये जो बात है ना कि नहीं, मगर ये कुछ है इसके पीछे? नहीं कुछ नहीं है मासूम, इसके अलावा कोई बात नहीं है, मैं घर भी जाना है। नहीं, वैसे आप सब छोड़े, आपकी और मेरा तो मजाक आपस में चलता है ना, आप बताएं, आपका तो यू नो इतना ताल्लुक है फैशन से, आप जरा एक नजर डालिए और देखिए जो लुक पूरी क्रिएट की हुई है चोई साहब ने आज, क्या कहती हैं इसके बारे में आप? मुझे अच्छी लगी, अच्छी लग रही है आपको, है ना? ये जो मैचिंग देखिए उन्होंने जो की है, और जो उन्होंने जो सलवार कमीज के साथ जो वेस्ट कोट है, और उसके बाद आप देखिए कि जो नीचे जूते, वाह वाह वाह, ये तो मेरी अभी नजर पड़ी है सर, जूते किसके हैं? मैं 31 साल तक जो है ना वो बाहर रहा हूँ। जी जी, तो मैं आपको कह रहा हूँ सबको कि आप अंदर रहे हैं, मगर सादा वीरिंग जो है ना वही होती है सर, लेकिन यहाँ पे लोगों को आके देख के जी फलाना ब्रांड है, फलाना ब्रांड है, सानू भी पाना पै गया। अच्छा, नहीं तो ये तो ब्रांड है। जी जी, ब्रांडेड पहने हुए। अच्छा, आपको करीब से नजर आ रहे, कौन सा ब्रांड है ये? एलवी। अच्छा, ऐ लोग ही लोगों को खराब कर देने। खराब नहीं होना, सादा जिंदगी गुजारो। मैंने आपने वो खराब मैं कर रहा हूँ। ये बताएं सर, एलवी आपने पहना हुआ है, आपको पता है इस ब्रांड के बारे में? नहीं, मैंने नहीं पता। तो फिर आपने लिया क्यों? ऐना ही है, बस किसी आप जैसे दोस्त ने तोहफा दे दी। तुसी फिर बूट सानू देके छड़ दे दी। आप तो ऐसा बता रहे हैं जूते सर, छोड़े जूतों के अलावा आज बात ही नहीं होगी जूतों। मैं तो आपको पता है लोगों में से वो जो जूते दे भी जाऊंगा, कोई मुश्किल तो सर मैं तो कह रहा हूँ। अच्छा चले, जूतों को छोड़े सर, एलवी आप छोड़े, एलवी जो भी ब्रांड होगा हमें उससे क्या, आपने चाहे इंग्लैंड से लियो, दुबई से लियो, लाहौर से लियो, हमें उससे क्या, ठीक है? मगर हिना जरा ये नजर डालिएगा, घड़ी भी बड़ी मैचिंग पहनी हुई, ये कौन सी है? ये जो है ना बंदा बहुत गलत है, पिछली दफा मेरी घड़ी चोरी करवाई थी, मैं यहाँ आया इनके पास और कहा कि जी कौन सी, मैंने शरीफ आदमी ने बता दिया कौन सी है, ठीक है जी, और उसके हफ्ते के बाद चोरी हो गई। मगर वैसे नहीं, इन्हें करवाई है या उस खबर ने? मगर वैसे देखे, वो देख रही है, रोलेक्स है। अस्सलाम वालेकुम सर, आप हमेशा की तरह आज भी बहुत अच्छे लग रहे हैं, लेकिन मैंने आज सूट इसीलिए पहना था क्योंकि आप नॉर्मली सूट्स में आते हैं, ये तो आज आपने ज्यादती की है। वो मुझे अभी जो पुराने सूट है ना वो मुझे फिट ही नहीं आते। मैंने कहा चले, पता नहीं ये इन्होंने दिया नजरों में कि मैं कह रहे हैं कि मैं कमजोर हो गया हूँ, लेकिन मेरे तो कपड़े सारे छोटे हो गए हैं। दोबारा बुलाओगे तो फिर वो पा गया। मगर चोई साहब क्या मतलब, आपकी तो सूट्स की इतनी जबरदस्त कलेक्शन, वो कहाँ गई सारी? है सारी है बिल्कुल, करो 2 मिनट की ब्रेक लो, पा के आओ। कपड़ों की बजाय अगर हम इंसानों की कदर करना सीख जाए तो फिर क्या ही बात, वो तो एक अलग बात है। लेकिन आप अपने सूट को ना बीच में से निकालें, वो कौन सा जूते, वो देखे जूते, एलवी से रोलेक्स तक का सफर, क्या बात है। मुझे अभी नोट किया, ये पेन किस कंपनी का, नाम तो बता दे ब्रांड का। जो कुछ मेरे को आया ना मैं सारा ला के आ गया। नहीं मगर बड़ा जबरदस्त पेन है सर, ये कोई नाम दिखाई दे निकाल के, इसका सिर्फ नीचे कुछ नहीं है, अच्छा ऊपर भी है। ए गिफ्ट है जी तानू, मो ब्लैंक सर। ओए होए चोई साहब, अब आप लोगों को कौन सी वाली बातें याद रहेंगी, आपने कसम खा के बतानी है जो इन्होंने पहले की थी, या फिर एलवी रोलेक्स और मो ब्लैंक? देखिए मैं 31 साल के बाद, 31 साल मैंने पाकिस्तान से बाहर गुजारे। अरे तो यही यार, ऐसा तो मेरा हक बन रहा है कि मैं अपने वहां से अपनी जेब के बीचों, मैंने किसी की जेब से तो नहीं लिया ना। बात ये कि ये वाली जो स्टोरी है, सॉरी ये वाली स्टोरी जो, ये भी तो बताए ना बच्चों को, ये इंस्पायरिंग स्टोरी है। देखिए यंगस्टर्स हैं ये, चाहते हैं। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात है, बल्कि होनी चाहिए, है ना। देखिए मुझे जब ये कहा गया कि आपने अपने हलका के लिए कहाँ दुबई, सऊदी अरब, कतर, और कहाँ आसानियाँ, आराम, आसाइश, रुपया पैसा, शोहरत, सब कुछ। और कायद नवाशी ने मुझे कहा चौधरी साहब आपने भावनगर से इलेक्शन लड़ना है, तो मैंने अल्लाह जानता है 1 मिनट नहीं लगाया सोचते हुए, मैंने कहा जी मैं इंशाल्लाह ताला लड़ूंगा। पैसा कुछ नहीं होता, पैसों के साथ साथ शख्सियत, आपकी ईमानदारी, आपका जो इस्तकामत है वो होती है।